बिहार के पूर्वी इलाके भागलपुर जिले का जर्दालू आम अपने लाजवाब स्वाद की वजह से हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रहा है, या यूं कहें पेड़ों में आम जब आने शुरू होते हैं तो लोगों का इंतजार बढ़ जाता है कि जर्दालू आम आएगा और उसका स्वाद लिया जाएगा। भागलपुर के जर्दालू आम की मिठास के गवाह देश के कोने कोने में फैले हुए लोग हैं। इस आम की खूबी का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावे कई मंत्री और विशिष्ट लोग भी आम के मिठास का लुत्फ उठाते रहे हैं। कई वर्षों से यह जर्दालू आम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को भेजा जाता रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से हर साल भेजने की परंपरा रही है। इस बार 14वीं बार सुल्तानगंज के महेशी से जर्दालू आम भेजे जा रहे हैं। रविवार को अधिकारियों की देखरेख में आम की पैकिंग की गई और 2000 पैकेट तैयार किए गए। सुल्तानगंज से 2000 पैकेट जहां दिल्ली के लिए पैक किए गए, वहीं 500 पैकेट आम पटना भी भेजे जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से 2007 से लगातार अंग की यह सौगात भेजी जा रही है। एक पैकेट में 20 आम यानी करीब 5 किलो आम है। इसके साथ जर्दालू आम की खासियत को भी लिखित में बताया गया है ताकि लोग इसके बारे में जान सके। आम के पैकेट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सप्रेम भेंट लिखी हुई है। और जर्दालू आम जो है कि आज भागलपुर से दिल्ली जा रही है विशिष्ट महानुभावों के लिए बिहार भवन में। जर्दालू आम अपने किस्म का एक सबसे अनोखा आम है, भागलपुर का शान है। ये GI टैग प्राप्त है इसको। ये मई के लास्ट महीने में हार्वेस्टिंग चालू इसका हो जाता है और सबसे पहले ईयरली आने वाले वैरायटी में जर्दालू है। अभी जर्दालू पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से भेजी जाती रही है उपहार के रूप में, सरकार के द्वारा गिफ्ट के रूप में। ये परंपरा इस बार भी है जो कि कायम है और एक खास तरह का टेस्ट है जो कि सिर्फ इसी आम में है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि है। और ये मीठा भी कम है, जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भी कुछ हद तक इसको खा सकते हैं।